तो फ्रेंड्स, आरबीफिशियल 07 में आप लोग का स्वागत है। मझगांव डक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की ओर से 2024 के लिए आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग आपका यहाँ पे ये डक यार्ड मुंबई की ओर से 2024 के लिए आपका अपडेट प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट रिलीज किया गया है। यहाँ पे फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में पीरियड ऑफ 3 ईयर का आपका यहाँ पे रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वेरियस पोस्ट रिलीज किया गया है। कैटेगरी वाइज आपका देख सकते हैं SC ST OBC EWS कैंडिडेट के लिए आपका टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे आपका 10 कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पोस्ट। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप इलेक्ट्रिशियन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कैटेगरी वाइज। आप यहाँ फीटर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका नंबर ऑफ पोस्ट आपका आउट किया गया है। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपका नंबर ऑफ पोस्ट आपका आउट किया गया है। जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस बेसिस पे आपका नंबर ऑफ पोस्ट आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका देख सकते हैं कैटेगरी वाइज आपका डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यहाँ पे जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए आपका रहने वाला है, इलेक्ट्रिकल के लिए आपका, सिविल के लिए रहने वाला है, जूनियर प्लानर आपका, एस्टिमेटर के लिए आपका रहेगा, पेंटर के लिए आपका, रेगर के लिए, स्टोर कीपर के लिए आपका रहने वाला है, यहाँ फायर फील्ड के लिए आपका रहेगा, सिक्योरिटी के लिए आपका रहेगा। जो भी कैंडिडेट जिस कैटेगरी के बेसिस पे आपका स्किल है और जिस प्रकार से आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उस बेसिस पे आप यहाँ से देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका वेरियस पोस्ट आउट किया गया है और यहाँ पे आपका PWD कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपका नंबर ऑफ पोस्ट आप डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। क्वालिफिकेशन आपका यहाँ उसी प्रकार से आपका आउट किया गया है। यहाँ पे आप प्लीज़ आप अच्छे से देख सकते हैं, यहाँ पे आपका वेरियस से वेरियस पोस्ट आउट किया गया है। उतना यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको इतना बोल नहीं सकता हूँ, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसके वजह से आपको मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पे 10th पास आउट है, ITI है, तो आप सिंपली आप मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और यहाँ पे BE BTEC किए हैं, ग्रेजुएशन पास आउट है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका आउट किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका 25 कैटेगरी में आपका नंबर ऑफ पोस्ट आपका आउट किया गया है। इस बेसिस पे आप यहां से देख सकते हैं, यहां देख सकते हैं मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर IT के लिए और सिविल के लिए भी आपका आउट किया गया है। अप्रेंटिस के लिए यहां पे आप देख सकते हैं और यहां पे आपका यहां वर्क एक्सपीरियंस भी आपका यहां पे मांगा गया। जो भी कैंडिडेट जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उस बेसिस पे यहाँ पे आपका पे स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपका यहाँ पे रहने वाला है 22, आपका 17,000 से आपका स्टार्टिंग होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका कैटेगरी वाइज आपका पे स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। मिनिमम एज आपका 18 और मैक्सिमम एज आपका 38 प्लस यहाँ पे एज रजिस्ट्रेशन भी आपको कैटेगरी वाइज यहाँ पे मिल जाएगा। आप OBC कैंडिडेट के हैं तो 3 ईयर का एज रजिस्ट्रेशन मिलेगा, आप SC ST कैंडिडेट के हैं तो 5 ईयर का, PWD कैंडिडेट के हैं तो आपका 10 और 15 ईयर का यहाँ पे रहने वाला है। इस प्रकार से आप यहां से देख सकते हैं, पीरियड ऑफ आपका 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, उसके बेसिस पे आपका यहां पे आपका पीरियड बढ़ाते जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका यहां पे रिटर्न एग्जामिनेशन करना कराया जाएगा, रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद एक्सपीरियंस आपका यहां पे और स्किल टेस्ट का डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। उस प्रकार से आपका सिलेक्शन प्रोसेस आपको कम्प्लीट कर दिया जाएगा। रिटर्न एग्जामिनेशन में आपका यहाँ पे MCQ क्वेश्चन रहने वाला है, 100 मार्क्स का रहेगा, 60 मार्क्स से और 40 मार्क्स का आपका रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन, आपका नेचर और रिटर्न एग्जामिनेशन टेस्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन और यहाँ पे पोस्ट आने वाला है ग्रुप A और ग्रुप B के लिए आपका यहाँ पे पोस्ट आउट किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं और अच्छे से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे 22 पेज का आपका नोटिफिकेशन आउट किया गया है, तो इम्पोर्टेंट डेट और यहाँ पे आपका दिया गया है। उस प्रकार से आप यहां से अप्लाई करके एक सूटेबल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। यहां पे डेट ऑफ एप्लीकेशन के लिए आपका 11 सितंबर यहां रहने वाला, लास्ट डेट 1 अक्टूबर आपका रहेगा और यहां पे इसी प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट डेट डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इस प्रकार से आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पे आपका डक यार्ड की ओर से गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है, आप अप्लाई करके एक सूटेबल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही।